हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम बसुराज सिंह। टुडे आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लक्ष्मी जी एक कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी जो है एक बैंक में कैशियर है। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज रुपीज 4 लाख। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन दस सी है। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है, उसके पास 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोट क्रमशः इस प्रकार है, जिनका रेशियो 2:3:5 है। तो टोटल जो कैश है लक्ष्मी के पास वो कितना है? 4 लाख। तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन दस सी है। तो उसके पास जो वह नोट है उस नोट का नंबर कितना है, मतलब कितने नंबर है, 100 के कितने हैं, 50 के कितने हैं और 10 के कितने हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, हमें यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, मैं बता चुका हूँ। जब रेशियो ऐसे दिया जाता है तो इसे मान लेते हैं 2x, 3x और 5x, ऐसे मान लेते हैं। तो देखिए, लेट द नंबर ऑफ नोट्स भी नंबर ऑफ नोट्स में 2x, ठीक है, 3x और 5x। ये देखिए, यह इस टेबल को मान लीजिए रेशियो क्या होगा है। तो अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब हम इस नोट को, जब हम मान लीजिए कि इनका रेशियो इतना इतना है, तो 100 का कितना होगा डियर स्टूडेंट? तो देखिए, तो 2x में अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ 100 का नोट का नंबर निकल जाएगा। इसी प्रकार 50 में अगर आप 50 का मल्टीप्लाई अगर 3x में कर देंगे तो यहाँ पे नंबर निकल जाएगा 50 का। और इसी प्रकार 5x में अगर आप 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका नंबर निकल जाएगा 10 के नोट का। तो देखिए, अगाड़ी को क्वेश्चन क्या होगा डियर स्टूडेंट, देखिए पहला रेशियो कितना है 2x, इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि नंबर ऑफ 100 होगा नोट, प्लस 50 का करेंगे 3x में, प्लस 10 का करेंगे 5x, ठीक है। और इन तीनों को प्लस करने पर कितना आता है, 4 लाख। कितना आता है डियर स्टूडेंट, 4 लाख। तो देखिए, पहले हम यहाँ इस नंबर पर उतार लेते हैं, देखिएगा 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पे 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख। इक्वल टू कितना होना चाहिए स्टूडेंट, 4 लाख रुपया होना चाहिए टोटल। तो ध्यान से देखिए, इसे हम जोड़ लेंगे, इसे हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए, जोड़िए 50 और 150, 200 हो जाएगा, 200 200, 400x क्या हो जाएगा, 400x इक्वल टू 4 लाख। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरफ इनटू है उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा।
बताओ जय, देखिए यह हमारा एक्स का वैल्यू है। अभी नोट का नहीं निकला है नंबर, अभी हम नोट का नंबर निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए, एक्स का वैल्यू 1000 आ चुका है, तो 100 रुपीज नोट इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे 100 रुपए का कितना है 2x, तो 2 x का वैल्यू 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 क्या होगा, नंबर ऑफ 100 से नोट होगा, यानी 100 के नोट कितने होंगे 2000। इसी प्रकार 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए इसका 3x, तो 3 × 1000 कर देंगे, क्योंकि x का वैल्यू 1000 आ चुका है, तो यहाँ पे कितना आएगा 3000 नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट हो जाएगा, यानी 50 रुपए का नोट कितने होंगे 3000। अब इसी प्रकार 10 रुपए का नोट, तो 5 × x का वैल्यू कितना है 1000 मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5 = 3। ये आपका नंबर हो जाएगा 10 रुपए का। इस प्रकार 100 का नोट 2000, 50 रुपए का नोट कितना होगा 3000, 10 रुपए का नोट कितना होगा 5000। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। हेलो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपीज इन कॉइंस ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपीज, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज। डियर स्टूडेंट, 5 रुपीज, 2 रुपीज एंड 1 रुपीज के टोटल अमाउंट कितने हैं 300 रुपीज है। पूछा जा रहा है, आगे बताया जाता है, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 times द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, यानी जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्के से 3 times अधिक हैं, 3 times है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। टोटल जो कॉइन्स का अमाउंट वो कितना है 360 है, सॉरी 160 है। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 रुपीज के कॉइन्स है, 2 रुपीज के कॉइन्स है और यहाँ 5 रुपीज के कॉइन्स है। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे दिया है इन दोनों के बीच का जो 2 रुपए के सिक्के हैं वह इससे कितने हैं 3 times अधिक है। मान लें कि अगर हमारा 5 रुपए का जो कॉइन है वह x है, तो यह कितना हो जाएगा 3x है, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 160। तो 160 में से अगर आप इन दोनों को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा 1 रुपए कॉइन, यानी 3x - 1x। देखिए अगर टोटल जो हमारे कॉइन्स के हैं नंबर, उसमें से अगर हम इन दोनों को घटा दें तो 1 रुपए कॉइन का वैल्यू क्या हो जाएगा पता हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए, लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन बी क्या हो जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा स्टूडेंट एक्स, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने 5 रुपए के कॉइन को क्या मान लिया है एक्स। इसी प्रकार सेकेंड रुपीज के लिए क्या हो जाएगा 3x, उसी प्रकार 1 रुपीज के लिए क्या होगा 100 - 3x - x। देखिए यह 5 रुपए का हो गया, यह 2 रुपए का हो गया और यह 3 रुपए का हो गया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
300, तो मान लीजिए हमारा हेक्टर x किसका आएगा, 5 रुपए के पॉइंट है, इसलिए हम इसे किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x का कर देंगे। इसी प्रकार मान लीजिए हम, ठीक है, 2 रुपए के पॉइंट कितने हैं, तो 3x है, 3x में हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये नंबर आप 2 रुपए पॉइंट है, और प्लस इस सब को प्लस कर देंगे। देखिए इस सब को करेंगे तो 10 माइनस क्या, सॉरी 160 माइनस 4x और टोटल कितने आते हैं, 300 रुपीज आते हैं। यहां पे देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहां पे हो जाएगा 5x प्लस 2 3 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। देखिए ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस है, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 11x जैसे, अगर 4x घटा देंगे तो क्या बचेगा ये स्टूडेंट, 7x प्लस 160 इक्वल टू 300, इक्वल टू क्या आ गया 300। देखिएगा इस साइड या प्लस है, उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा ये स्टूडेंट, माइनस बन जाएगा, तो 300 में से हम 160 को माइनस कर देंगे तो 7x इक्वल टू 140, 7x इक्वल टू क्या आ गया 140। हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 7x इक्वल टू 140, तो यहाँ लिखिएगा x इक्वल टू इस साइड मल्टीप्लाई है, उस साइड है तो डिवाइड हो जाएगा, तो 140 बाई 7, तो x इक्वल टू क्या आ गया 7 × 14 = 20, कितना आ गया डियर स्टूडेंट 20, x का वैल्यू क्या आ गया 20। तो हमें बताना है नंबर ऑफ कॉइंस, नंबर ऑफ कॉइंस, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ 5 रुपीज क्वाइंस इज इक्वल टू, देखिए हम रेशियो क्या लिखे हैं, 5 रुपए का रेशियो क्या है, एक्स है, और यहाँ पे जब हम लिए हैं तो 5x ले लिए हैं, तो देखिएगा ध्यान से यह अमाउंट है, यह अमाउंट है, हमें अमाउंट नहीं निकालना है, नंबर ऑफ क्वाइंस निकालना है डियर स्टूडेंट। तो आपको पता होना चाहिए एक्स का वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है, यानी यहाँ देखिए नंबर ऑफ पॉइंट जो 5 रुपए का पॉइंट होंगे वे कितने होंगे 20 होंगे, क्योंकि आप देखिए जो हम डिवाइड किए तो x का वैल्यू क्या आया है 20, और हमारा 5 रुपए का पॉइंट कितना है x है, तो x का वैल्यू जब 20 आ गया तो 5 रुपए का पॉइंट भी कितने होंगे 20 होंगे। इसी प्रकार नंबर ऑफ, नंबर ऑफ 2 रुपीज क्वाइंस इक्वल टू, देखिएगा यहाँ 3x है तो 3 × 20 इक्वल टू 60, 2 रुपए के क्वाइंस कितने होंगे 60 होंगे। इसी प्रकार नंबर ऑफ 1 क्वाइंस इक्वल टू, देखिए क्या लिखा है 160 माइनस 3x, यानी 2 रुपए के सिक्के कितने हैं यहाँ पे 60 है, माइनस x यानी 5 रुपए के 20 हैं। जब दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 160 माइनस 80, तो जब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो 1 रुपए के पॉइंट कुल कितने आ जाएंगे 80, कितने पॉइंट आ गए डियर स्टूडेंट।
नंबर ऑफ रुपीज 5 रुपीज पॉइंट इज इक्वल टू 20, नंबर ऑफ रुपीज 2 पॉइंट इज इक्वल टू 60, नंबर ऑफ रुपीज 1 पॉइंट इज इक्वल टू 18। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ।